मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का भय बना हुआ है और लॉकडाउन भी है, मगर ऐसे में अब रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है। रमज़ान का महीना आने की जहां एक तरफ खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में कारोबार बंद और घर के खर्चों का दुख भी है। ऐसे में लोग करें भी तो क्या करें, क्योंकि रमज़ान महीने में घर के खर्च कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मगर रमज़ान में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात ने बताया है कि लॉकडाउन के दरमियान जिस तरह से लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, इसी तरह से लॉकडाउन 2 में भी लोग रमज़ान महीने में भी लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें। मगर ऐसे में रमज़ान महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात ने बताया है कि 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में जिस तरह से लोग घरों में इबादत कर रहे हैं, इसी तरह से रमज़ान महीने में भी लोग घरों में रहकर इबादत करें और तरावी की नमाज भी मस्जिद में 2 से 3 लोग की संख्या में ही नमाज अदा की जाएगी। लोगों को इस मुश्किल समय को समझना चाहिए और इबादत अपने घरों में रहकर करना चाहिए। साथ ही सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात ने मुंब्रा के दारुल फला मस्जिद पहुंचकर कहा कि आप लोग मस्जिद से भी अलाउंस करके लोगों से घरों में रहने के लिए कहें और हाथ साबुन से बार बार धोने को कहें, और साथ ही वहीं रमज़ान में होने वाली तरावी की नमाज मस्जिद में कितने लोग पढ़ सकते हैं, इस पर सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात और जमीतुल उलमा हिंद के मुंब्रा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या जानकारी दी है। सर, सर अभी रमज़ान का महीना आने वाला है और इसमें जो है तरावी की भी नमाज होती है, तो क्या ऐसे में नमाज पढ़ने की इजाज़त मस्जिद में रहेगी या फिर घरों में ही इबादत करनी है? देखो, कोरोना का कहर पूरे दुनिया पे छाया हुआ है। भगवान अल्लाह का नाम लेना है, भगवा का नाम लेना है, कहाँ से भी ले सकते, उसके लिए मस्जिद मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब मेरे मुमरावास के भाई से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी अपनी नमाज है, 5 टाइम की नमाज है या तरावी की नमाज है, वो मस्जिद में नहीं होगी, आपको अपने घरों में करना है, क्योंकि लॉकडाउन चालू है। गवर्नमेंट का 144 का आदेश है, इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तरावी की नमाज हो या 5 टाइम की नमाज हो, कोई भी हो, अपने घर में वो अदा करनी है। नमाज कहाँ से भी अदा करो, वो अल्लाह को अल्लाह तक पहुँचती है, इसीलिए मस्जिद मदरसा में आने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि मंदिर मस्जिद में जाके जो प्रार्थना करनी हो कर सकते हैं। मौलाना से रमज़ान का महीना चालू हो रहा है, तो ऐसे में जो तरावी की नमाज है क्या मस्जिद में होगी, कितनी संख्या में होगी? देखिए, रमज़ान मुबारक का महीना जो आ रहा है, ये तो बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर खसूसियत इसमें तरावी की है, रोज़े की है, लोग तरावी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और तरावी जो है इज्तिमाई तौर पे मस्जिदों में पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर मस्जिद भरी रहती है, लोग रहते हैं। लेकिन इस बार उलमाए किराम ने और हुकूमत ने और मुल्क के दानिश्वरान ने और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने ये फैसला किया है कि इस साल जो है ये कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाईयत नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। उलमाए किराम ने फैसला किया है जिस तरीके से मस्जिदों में 2-3 लोग नमाज़ें पढ़ते हैं उसी तरीके से नमाज पढ़ें और वही लोग तरावी पढ़ लें, और बाकी जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, अपने घरों में तरावी पढ़ें। बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट का जो भी हुक्म है उस हुक्म की फरमाबरदारी की जाए, और ये फरमाबरदारी की जाएगी तभी जा कर के हमारे मुल्क से, दुनिया से ये महामारी, ये बीमारी ख़त्म होगी। इस वजह से उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है कि जिस तरीके से आप मस्जिद के अंदर अज़ान देते हैं, 2-3 लोग मिलकर के नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप नमाज के बाद जो तरावी पढ़ते हैं वो तरावी पढ़ लें, और कोई भी एक्स्ट्रा आदमी मस्जिद में ना जा कर के तरावी पढ़े, कोई भी जो आदमी 2-3 लोग पढ़ते हैं उसके अलावा और लोगों को मस्जिद में जाना उलमाए किराम ने मना किया है। और ये उन्होंने कहा है कि आप लोग उलमाए किराम की बात मानिए, और वो लोग जो भी बातें करते हैं कुरान और हदीस को सामने रख करके करते हैं, इसी में मुसलमानों को सवाब मिलेगा।
जो लोग मस्जिदों के अंदर तरावी पढ़ते हैं जो सवाब उनको मिलेगा वही सवाब जो लोग घरों में तरावी पढ़ेंगे उनको भी वही सवाब मिलेगा। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं सारे के सारे मुसलमानों से, ख़ासकर मुंबरा के लोगों से, कि आप हजरात जिस तरीके से नमाज अदा होती है, दो तीन लोग जमात से नमाज पढ़ते हैं वही दो तीन लोग जो है मस्जिदों में तरावी भी पढ़ लेंगे, और जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं वो घरों में नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। ये मुबारक महीने का तकद्दस हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकरार रखेंगे और रोज़े की और तरावी की हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क से, पूरी दुनिया से इस महामारी को ख़त्म फरमा दे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।